कुछ चीज़ा होंगे जिस तो बना बंदा ज्यौदा नहीं रह सकता बंदे दे जौन दे लई रोटी कपड़ा मकान तो है ही ज्यौदे रहने लई पर इस तो बिना भी दो चीज़ा होंगे जिस तो बिना बंदा ज्यौदा भी ज्यौदा नहीं होंदा वह दो चीज़ा होंदिया एक इज्जत ते एक मुहब्बत इहदे तो बिना भी बंदा ज्यौदा नहीं है। तो जिहड़ी गंढा कहानी का पात्र है वह संघर्ष वो रिस्पैक्ट दे लई उन्हों इज्जत नहीं मिलती बस और जो मर्जी ग्रहण कर लवे जिवें साडे देश दे विच जिहड़ी कास्टिज़म आ साडे देश तां राष्ट्रपति नूं वी मंदर च एंटर नहीं करन दित्ता जांदा उहदी कास्ट देख के। सो इस करके वह रिस्पैक्ट दे लई जिहड़ा संघर्ष आ वह इस कहानी च पेश हुंदा ते उह जिहड़ी उह कहानी है जिहदे च उह मुड़ के उह कहानी दा नां हैगा जिहदे च उह पात्र विआह कराउण लगदा रजवंत लेडी दे नाल त्रिकाल संध्या जिहड़ी मेन कहानी आ वो मुहब्बत है वह मुहब्बत तो बिना भी बंदा ज्यौदा नहीं रह सकता वह भी पसार जिहड़ा है उहदे लई उहदा स्ट्रगल जिहड़ा चलता है। सो बाकी ज़्यादा गल्लां मैं नहीं करनी है बाकी इन्हां दी कहानी दे जिहड़े साइकोलॉजिकल पसार आ वह बड़े बरीक आ इहदे मैटाफर्स जिहड़े आ इन्हां दी कहानी बहुत ज़्यादा सिंबोलिक आ बहुत ज़्यादा सिंबोलिक आ जिहड़ियां गंढां ने यह भी सिंबोलिक ने क्योंकि ये जिहड़ियां ये साइकोलॉजी के कंपलैक्स ने असल दे विच वह गंढां जिहड़ियां ने। सो इन्हां दी जिहड़ी लैंग्वेज आ वह बहुत जबरदस्त आ उहदे बारे भी गल हो चुकी आ इन्हां दी कहानी कदे भी निराशता वल नहीं जांदी इन्हां दीआं इस कहानियां बहुतियां नूं उह इत्थे जा के खत्म हुंदियां कि वह पहला जिवें इन्हां नूं ध्यान दवाया धालीवाल साहब ने कि वह बापू जिहड़ा उहदी चेतना च जगण लग पिआ जां जिहड़ी त्रिकाल संध्या तों पहलां कहानी रुत फिरी बण कंबिआ उहदे चों कहानी ऐन निराशा ते जा के मुक्कण लगदी आ पर जदों उह रात नूं डिग पैंदा तो सवेरे उठता तो कहता भी दिन के चानण की वाहवा ही लो लग गई सी उदों तक वह फिर लो लग जाती है अखीर तो इस करके जिहड़ा पॉजिटिविटी है ना ये जिहड़ा कह लो अल्टीमेटली आशावादी होना यह कोई भारतीय परंपरा का आर्कीटाइप आ इहनू मैं समझदा क्योंकि जिहड़ी ग्रीक लिटरेचर है थोड़ा जिहा सिद्धांतक गल भी वह ट्रैजिक है उहदे च ट्रैजडी नूं वड्डा मन्निया गया ते अंत दे विच गल जिहड़ी है उह ट्रैजडी च मुकदी है पर तुसीं भारतीय परंपरा दे महाकाव्य पढ़ो इहदे वृतांत पढ़ो अल्टीमेटली जिहड़े आशावादी है सुखांत चले जांदे आ क्योंकि जिहड़ी भारतीय टाइम दी कंसैप्शन आ उह सर्कुलर आ क्योंकि रात दे बाद फिर दिन चढ़ना हुंदा उह चक्कर दे विच चलदी है पर जिहड़ी ग्रीक जिहड़ा टाइम दी कंसैप्शन उह लीनियर आ कि उह जिहड़ी लीनियरिटी हुंदी रेखा च जदों चलदा उहदे च फिर वापस आउण दी उम्मीद नहीं है इतने इन्हों की हर कहानी के रात तो बाद वो जो दिन चढ़ता उत्थे मुकदी जाके। सो इस करके उहदे च एक आशा का पक्ष जिहड़ा वो नज़र आउंदा। बुट्टर साहब ने मेघा सलवान ने बहुत अच्छा पेपर पढ़िया उस तो बाद मैडम रुपिंदर जी ने बहुत अच्छी गल्लां कीतियां बुट्टर साहब ने बहुत ज़्यादा वधिया गल्लां कीतियां क्योंकि देखो जिहड़ा कहानी दे उत्ते वृतांत दे उत्ते जिहड़ी गल करनी जां आइडियोलॉजिकल कोई गल करनी जां कोई सिद्धांतक गल करनी ये सौखी आ पर लिटरेचर की जिहड़ी असल होंद आ उहदी लैंग्वेज जिहड़ियां निक्कियां निक्कियां शोहां हुंदियां उह निक्के निक्के जिहड़े टच दिंदा जिहड़ा जिहड़े चित्रकार ने छोटे छोटे टच दित्ते हुंदे ना रंगां दे क्योंकि एक रंग च हज़ार रंग हुंदे तो जिहड़ा मेजर रंग पछाणना वह औखा नहीं है पर एक रंग दे विच जिहड़े हज़ार रंग लुके हुंदे आ उहनां नूं पछाणना ये वड्डी गल हुंदी आ ते मैनूं बड़ी जिहनूं कहिंदे हैरानी भरी खुशी हुई कि बुट्टर साहब ने उन्हां नूं पछाणिया उन्हां गल्लां नूं ते उह लैंग्वेज दे जिहड़े निक्के निक्के इन्हां ने शोहां दित्तियां उहदे विच इन्हां दी कहानी कला दी प्राप्ति आ। आम तौर ते जिहड़े पंजाबी दे आलोचक आ उह स्थापित लेखकां नूं वड्याउंदे आ ते किसे नवें लेखक दे बारे कोई बयान अजिहा देण तों डरदे आ पर मैं ये गल कहनी चाहुंदा कि दीप दविंदर जिहड़े आ इन्हां दी कहानी जिहड़ी आ उह सचमुच ही जिहड़ी पंजाबी दी कहानी दी कलात्मकता दे विच इक बहुत समर्थ कहानी आ ते किसी इनाम सन्मान तों इन्हां दी कहानी जिहड़ी आ उह अगे आ इस करके असीं समझदे आ कि इह तां वधाई दे पात्र है ही ते पर पंजाबी कहानी दे लई बड़ा चंगा संकेत आ कि दीप दविंदर जी वर्गा इक समर्थ कहानीकार जिहड़ा ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
बहुत खूब जी। डॉक्टर साहब कि जिन्हों छूंदे खुशबू खुशबू कर देंदे, कुछ बंदियां अंदर कस्तूरी होंदी है। तो डॉक्टर साहब दी गल्लां सुन के हमेशा ही लगता होंदा कि मैनूं हुण एमए पंजाबी करन बारे सोचना चाहिए जे स्टूडेंट बना लेंगे। और अक्सर ये भी सोचते हैं कि प्रोफेसर साहबान नूं इन्ना कुछ याद किवें रह जांदा, उत्थे आ के फिर इरादा त्याग देंदा। सो जे इन्ना कुछ याद रखते जी ताई उच्चे अहुदे ते पहुँचते हैं। साढ़े सब लई माण वाली गल है कि डॉक्टर मनजिंदर सिंह जी नूं भारतीय साहित्य अकैडमी ने अगले 5 सालां दे लई भाशाई ज्यूरी मैंबर नियुक्त किया। सो जोरदार ताड़ियां इस गल ते। साढ़े सब दे लई माण वाली गल है, भाषा विभाग पंजाब वालों सन्मानित करनगे डॉक्टर साहब नूं सरदार परमजीत सिंह कलसी साहब अज दे इस समागम दे दौरान। मैं गुजारिश करांगी कलसी साहब नूं कि स्टेज ते आण ते प्लीज अपने विचार रखण। कलसी साहब वेलकम जी। त्रिकाल संध्या ते विचार चर्चा समारोह दे विच मंच ते सुशोभित सारियां ही महान हस्तियां साहित्यकार और साहित्य प्रेमी सारिआं नूं मैं मुबारकबाद दिंदा कि पंजाबी साहित्य दे विच त्रिकाल संध्या दे रूप विच दीप दविंदर जी की जी पुस्तक आई है वो एक अच्छी प्राप्ति है। गल कहानी भी चल रही सी तो एक कोई कहानी पढ़ के मैं कहता कि जी ये कहानी मैं पढ़ी है मेरिया अखा च हंजू आ गए। तो मैं समझा कि कहानी की यह प्राप्ति है पर वड्डी प्राप्ति नहीं है। वड्डी प्राप्ति जिवें डॉक्टर मनजिंदर सिंह उन्होंने कहा है कि जो वातावरण सिरजे है जो समाज सभ्याचारक धरातल है उसनों समझ के अखा च हंजू आना प्राप्ति हो सकती है। वड्डी प्राप्ति नहीं, वड्डी प्राप्ति है कि हंजू आने तो बाद मन की बनाया है कि जिहड़ी वह दशा सीगी उहनूं असीं सुधारन दे विच उसनों दूर करन दे विच साडा रोल की होएगा। जो तुसीं मन बनाउंदे हो कि असीं आह करांगे इदां दूजिआं नाल नहीं होएगा वह कहानी की वड्डी प्राप्ति होंदी है। और दीप दविंदर जी दीआं सारीआं कहानियां दी इह प्राप्ति है कि कहानी दे विच दशा जिहड़ी समाज की है वह दिखाउंदे आ, किरती दे हक की गल करदे आ पर नाल एक सीध दिंदे आ जिहड़ी समाज नूं व्यक्ति नूं जगाउंदी है ते समाज च परिवर्तन लियाउंदी है। इत्थे गल होई है कि दीप दविंदर दी एक स्थापित कहानीकार होणगे। मैं कहिंदा उह स्थापित कहानीकार होणगे नहीं, उह स्थापित कहानीकार हैगे ने। स्थापित कहानीकार गल हुई इनाम सन्मान की, मैं कहना कि इनाम सन्मान वड्डे नहीं होंदे। वड्डा बंदे का काम होंदा है, जिहड़ा बंदा इनामां लई लिखदा है वह साहित्यकार नहीं होंदा। तो जिहड़ा साहित्यकार होंदा है, चंगा साहित्यकार होंदा है, इनाम सन्मान वड्डे वड्डे मगर मगर आउंदे ने और दीप दविंदर जी दे मगर मगर आउणगे। साडी उह प्राप्ति होएगी, मैं इस गल की बधाई दिना। तुसी पंजाबी मां बोली की सेवा कर रहे हो, पंजाबी साहित की सारे सेवा कर रहे हो, एक चंगी गल है। पंजाबी मां बोली साढ़े विश्व चल गई बहुत वड्डी गल है, पर पंजाब जे असी अपनी मां बोली का सत्कार बनाना चाहते हैं तो सानू कहानी चो दिशा लैण वांग चलना पऊगा। उहदा कारण यह है मैं इस स्कूल च आया, मेरी प्राप्ति है तुहाडे दर्शन कीते, तुहानूं मिलिया बहुत कुछ विद्वानां दे कोलों सिखिया, साडी प्राप्ति है। देव दर्द जी नूं मैं सिर झुकाउंदा है, भारत पाकिस्तान दे विच ही पंजाबी दा नां रोशन जी कीता, विश्व दे विच नां रोशन कीता। पर जिहड़े स्कूल चो रहे जो उन्होंने प्रबंधक अज है तो जो मैं चफेरे नज़र मारी तो मैं पंजाबी का शब्द ही कोई नहीं नज़र आया।
ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਮੱਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਆਤਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇਹ ਚੇਤਕ ਲਾਈਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਵਿਰਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖ ਨਾ ਸਕੀਏ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀਏ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਟਕ 'ਚੋਂ ਕਹਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮੰਚ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਸੰਧਿਆ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾ ਦੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਕਦ ਰੁਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਮਹਿਕ ਅਤੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੁੱਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣੇ ਮਹਿਫਿਲ ਸ਼ਾਨੇ ਮਹਿਫਿਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਲਾਉਣ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਭਰ ਠੰਡ ਧੁੰਦ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਤੇ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖਣਾ ਦਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਚਕਾਏ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਮੰਜੇ ਡਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋ ਸੁੱਕਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੋਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਧਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਗੇੜ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੌਲ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਠਲਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਚਲੋ ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੇਖੋ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਈ ਕੁਝ ਆ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਭੋਸਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌ ਸੁੱਕਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੋਸਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠੀ 'ਚ ਗਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸੁੱਖਣਾ ਦਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਠੀ ਵੀ ਗਾਉਣੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਠੀ ਲਾਈ ਦਾਰੂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ
उधरों पाठी नहाने का टाइम हो जाए, उधरों उन्होंने पानी बदलने का टाइम हो जाए, जो उत्ते पाया होंगे वो गर्म करके लिया के बाल्टी उत्थे लिया लो बाबा जी बड़ी श्रद्धा के नाल पानी जोड़ा वा ये आप गर्म दिता। वो अगले दिन जो बजुर्ग बाबा ही ना वो अपने केस बहुता बहुता कहता राती यार इनान जेड़े पानी किया धर्म ना इन्ना रात अखर एडे एडे मोटे विखाई देंदे रहे गाड़ियों जो अं पाठ करते हैं। मैनू समझ नहीं लगी इनिया गल् मैं सुनिया, मैनू जिन्हें मित्र आए आ मैं तो ऐ लगता मैं अज एक दे दो दो दिखण दे सामने बैठे पता नहीं किस किस्म का इनान अज कर लिया। आत्म पब्लिक स्कूल के सवेरे च मेरे सारे बहुत सत्कार सारे मेरे वड्डे भरा, मैं सब तो पहला अपने उस्ताद कहानीकार पात रविंदर होरां दा धन्नवाद करदे हां, अपने भरावां वर्गे मित्र भाजी देवदर साहब दा धन्नवाद करदे हां। मैनूं इन्ना पता है कि उन्नी खुशी देवदर साहब नूं ना प्रतीक दे व्याह ते ते ना मोहे दे व्याह ते होनी होनी सी जे अज ओह साडे विच हुंदे जिन्नी अज दे समागम दी उन्हां नूं खुशी होंदी सी। मैं इस गल का कभी लुक लकार नहीं रखता, जिन्हें भी मेरे ऐ मित्र बैठे है जां सामने बैठे है एक भी मेरी सीधी जिहड़ी इन्हां दी सांझ है दोस्तियां दी एक नाल भी नहीं है, सारी वाया तलविंदर भा ते वाया देवदर साहब दे नाल है। ते मैनूं इस गल की तसली रहिंदी है हमेशा ही कि जे बेशक वो जिस्मानी तौर दे उत्ते दोवें जिहड़े है मेरे उस्ताद मेरे नाल नहीं रहे लेकिन उन्हां दी एडी वधिया मित्राचारी मेरे कोल है जिहड़ी कदी भी मैनू टुटन खिलरन नहीं दिंदी। डॉक्टर मनजिंदर साहब जां बाकी सारे जिन्ने बोल के गए है मैं अपनी कहानी बारे कोई गल नहीं करनी, पर मैनू इन्ना पता है कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटियां दी उपज नहीं है। मैं बड़ा तरसदा सीगा जदों मेरी उम्र किसे कॉलेज पढ़न दी सीगी किसे यूनिवर्सिटी जाण दी सीगी। मैं कभी क्योंकि अजे बहुत छोटी उम्र सी जो मैं अपने बाप के नाल अपने घर दियाँ कबीलदारियाँ सामभ ली तो काम करते लग गया सी। तो बुटल साहब मैनू भी दिन चेते है कि जो कभी मैं साइकिल से दिहाड़ी लाने जाद्या किसी स्कूल कॉलेज के कंध लागे की लंघना तो मैं पैदलों से पैर धर के काठी तो होर 6 इंच उच्चे हो गए जो स्कूल की ग्राउंड से तुरे फिरते उन्होंने मुंडे कुड़ियों वेखना तो मेरे मन च जरूर एक बार आना कि ये जिहड़े बच्चे इन्हां स्कूलों पढ़न आउंदे आ किसी होर दुनिया के कोई होर माँ बाप ने जिन्हां दे बच्चों नूं इह अवसर मिलिया तो ये इन्हां स्कूलों पढ़न आउंदे। अज जदों मैं इन्हां कदी स्कूल के बच्चों नाल गल करदे हुआ तो मैं जरूर ये गल कहना कि काका अपने माँ बाप के बहुत धन्नवादी होए जिन्होंने तंगियां तुरशियां झाक के तुहानूं इन्हां स्कूलों भेजिया इन्हां अध्यापकों तो कुछ सीखने लिए भेजिया। उदन दूरदर्शन से गल करदे आ मेरे से सवाल किया तेरे कहानी के बहुते पात्र जिहड़े है वह गुरबत क्यों हंडाउंदे आ। सुखजीत होरां दी गल मेरे दिमाग चक जी भी घूमती है कि बंदा जो लिखता है वह जां अपना लिखता है जां अपनिआं दा लिखता है, चाहे गुरबत हंडाउंदे आ चाहे रिश्तिआं दी कसीदाकारी करदे आ। मैनूं ऐ लगता हुंदा है कि बंदा जो अपनी भाषा च गल करता है अपने रिश्तों की गल करता है जो अपन की गल करता है तो साड़ियां गल्लां कहानी वर्गियां ही होंदियां। डॉक्टर परमिंदर के शब्दों च कि दीप ने कहानी शास्त्र नहीं पढ़िया, मैं वाकई कहानी शास्त्र नहीं पढ़िया पर मैं जो कहानी लिखता है मैं अपने लोगों नाल गल करता है। मैं वाजे वाले मुंडिया का जो किरदार सिरजना है तो मेरा कोई विआह नहीं हुंदा, मैं 6 महीने जो सड़क के उत्ते जो कोई बरात जा रही है उस वाजे वाले वाजे बजा रहे हैं तो मैं उन्होंने नाल नाल तुरिया जा रहा उन्होंने बॉडी लैंग्वेज देख रहा कि वह जो अपने घरों तुरे थे घर दिया मुश्किल उवें छड़ के आए थे इतने जो विआह शादी से आए हैं तो ये उन्होंने नाल इन्ने खुश ने जिवें इन्होंने अपने किसी सके का विआह अपने किसी भैन भरा का हो रहा हो। धालीवाल साहब मैं बहुत धन्यवादी इस करके भी हाँ कि ये वड्डे बंदे ने जिन्ना सारे ने जिन्हें ने पहले दिन तो मैनू हल्लाशेरी दिती मेरी बांह फड़ी तो कहानियां दे लड़ मैनू ला के रखिया। मैनू याद है कि
2013 के जो पहली पुस्तक इन्हों के हथों रिलीज़ हुई भा तलविंदर नाल सीगे देव साहब नाल सीगे भाजी परमिंदरजीत नाल सीगे पाल सिंह वल्ले होनी नाल सीगे एक बहुत वड्डी जिहड़ी इन्हां वड्डे लोकां दी ढाणी हौली हौली साडे नाल निखड़दी गई पर अज मैनू बहुत माण है कि ये सारे मित्र जिहड़े है इन्हां नू अद्धी जबान नाल असीं याद कीता ते साडे इस समागम च आए है। मैं जिथे प्रतीक का धन्यवाद करना है, मोहित का धन्यवाद करना, अंक का धन्यवाद करना है अज्ज दे समागम लई, उत्थे बहुत विशेष तौर दे उत्ते इन्हां सारियां कहानियां नू किताबी रूप च मेरे नाल अंग संग रहन वाले मेरे वड्डे भरावां वर्गे मित्र मनमोहन ढिल्लों साहब साडे विच बैठे है, डॉक्टर मोहन होनी साडे विच बैठे है, सरबजीत संधु साहब साडे विच बैठे है, मनमोहन बासरके साहब, नागरा साहब, मैं कल्ले कल्ले दा किहदा नां लवां, वो मेरे भरावां वर्गे जिहड़े बहुत रिश्तेदारां वर्गे मित्र प्रिंसीपल सोहल साहब बैठे है, इन्हां दा बहुत संग साथ रहा मैनूं सारियां कहानियां नूं किताबी रूप च देण लई। ते नाल दी नाल मैं सारे इस स्कूल दे स्टाफ दा, मेरियां बहुत ही भैणां वर्गियां सारियां अध्यापका सवेर दियां अज्ज छुट्टी वाले दिन भी साडे विच बैठियां ने, इन्हां दा भी धन्नवाद। वो एक बहुत छोटी जी गल ही जांदा जांदा कहिंदे निराशता च नहीं छड्ड के जाणा चाहीदा, इह बजुर्ग औरत कोई चढ़ाइयां कर गई उहदा किते सर भोग वाली सरदंजलियां चलण डईआं, जिहड़ा बुलारा आवे माता जी बड़े चंगे, माता जी पंजां बाणियां दे धारनी, माता जी किसे नूं खाली नहीं मोड़दे, विच किते ओह बजुर्ग बैठा ही जिहदी घरवाली हौली जी उठ के कहिंदा जरा एक मिनट मैनूं वी टाइम दे, आंदा यार क्यों झूठ बोली जांदे हो, घरवाली मेरी कि तुहाडी, जिन्नियां उच्च पाए दीआं इत्थे गल्लां होईआं ने मैं बहुत वारी इह सोच लिआ कि कहानियां इन्नी समझदारी नाल ते लिखीआं ही नहीं सीगीआं, ये कहानियां वाकई मेरिया सी इन्हां दीआं सी। अंत दे उत्ते मैं सारे साडे ओह जैसमीन भैण साडी धारीवाल तों, धारीवाल साहब मैं राती फोन कीता इन्हां नूं कल किताब दा, अहीं फेसबुक ते एक दूजे नूं जाणने आ, एक वारी भी नहीं कदी मिले, ते ओह बड़े भाजी होनी नाल लै के उन्हां नूं दोवें ते मोटरसाइकिल ते धारीवाल तों अज इस विशेष तौर पर समागम च आए, खास करके साडे कुड़म साहब साडे भैण जी होनी बेटी सारे, मैं सारिआं दा ही अपने दिल दीआं गहराइआं तों धन्नवाद करदिआं। भाई कोई गुस्सा ना कर लिओ, संधु साहब बैठे आ, धवन साहब, सगी साहब, भाई सारे तुसीं मेरी नज़र चो मेरे सिर मत्थे हो, सब तो बहुता धन्नवाद सीमा गिरेवाल दा। वेखो कहानी लिखनी पढ़नी वो साडे वक्खरे पाठक ने, पर आवाज़ की दुनिया च जिवें साडी कहानी नूं डॉक्टर सीमा गिरेवाल ते दविंदर कौर सैणी दो औरतां ने साडे कोल जिन्हां ने कहानी नूं इन्नी जिंद जान दे नाल अपनी आवाज़ दित्ती, ते बहुत सारे जिहड़े लोग है सानूं कहानीकार दे तौर पर जानन लग गए है। मैं इन्हां दा विशेष तौर पर धन्नवाद करदा कि दुआबा रेडियो तो एक आवाज़ की दुनिया च अपना विलक्षण स्थान रखते हैं। बस कहता कहता ना ते कलसी साहब मेरे मित्र भी ने, साडे भरा भी ने, ग्राई भी ने, मैं की कुछ कहां, ते बड़ा धन्नवाद है कि अपने रझेवें चों तुसीं सारे ही आए हो, सारिआं दा मैं अपनी दिल दीआं गहराइआं तों धन्नवाद करदिआं सद्दा दिंदा। फुलका लंगर दा प्रशादा जिहड़ा उह तिआर आ, आपां उह वी छकणा, कहानी दीआं निक्कियां निक्कियां गल्लां करनीआं, ते विशेष तौर ते धन्नवाद मैं फिर अपने मित्र रमेश रामपुरे दा, गुर रंधावा दा, उहनां दे बेटे दा, कि सारे समागम विच इहनां ने कवरेज कीता, तुहाडा सारिआं दा इत्थे आउण ते सिर मत्थे साडा बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद।